हेलो क्लास गुड मॉर्निंग टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर ट्वेंटी कंफ्यूजिंग वर्ड्स लेक्चर नंबर ट्वेंटी टू इन दिस चैप्टर विल लर्न अबाउट सम वर्ड्स साउंड सिमिलर बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका अगर आप उच्चारण करोगे तो एक ही जैसा होगा लेकिन उसका अर्थ जो है वह अलग अलग होता है ठीक है तो अंडरलाइन द राइट वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस तो हमारा जो जो सेंटेंस में सेंटेंस के अनुसार जो वर्ड इसमें से सही है उसी को हमें क्या कर देना है अंडरलाइन कर देना है आप ध्यान से अपने बुक में अपना बुक सबसे पहले आप अपना बुक ओपन करो नोटबुक ओपन करो पेंसिल ले लो अपना पेंसिल रखो पास में और जो जब जब हम बताएं तो उस चीज़ को आप अंडरलाइन करते चलो और अगर उसका अर्थ नहीं जानते हो तो आप उसे नोट करते चलो ठीक है योर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि स्टोमाटा इन लिब्स हैव स्मॉल पोर्स या पोर्स दोनों एक ही उच्चारण हो रहा है ठीक है फर्स्ट में यहाँ लिखा हुआ है पी ओ आर ई एस और ये रेड कलर का जो दिया गया है इसे अब्लिक कहा जाता है मीन्स या कहा जाता है या और और भी इसको बोल सकते हो पी ओ यू आर एस ठीक है तो इन दोनों में से कौन सा इस सेंटेंस के अनुसार सही होगा उसे यहाँ पे लिखना है ठीक है तो फोर्स जो होता है पी ओ आर ई -E एस इसका अर्थ होता है होल समझे होल होता है इसका अर्थ मतलब छोटा सा छिद्र होता है ठीक है तो ये कहा जा रहा है कि एस्टोमाटा इन लिब्स है स्मॉल पोर्स पत्तियों में ठीक है जो छोटे छोटे होल होते हैं उसको हम एस्टोमाटा कहते हैं इसका अर्थ होता है हिंदी में रंध्र रंध्र होता है रॉ अनुस्वार धामे र लिख दोगे रंध्र ऐसे लिखाएगा हम यहां लिख देते हैं ये हो गया रंध्र देख रहे हैं ऐसे लिखाएगा रंध्र। स्टमाटा का हिंदी होता है रंध्र समझ गए तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपका सही आंसर होगा ओ आर फोर्स ठीक है ये नहीं होगा क्योंकि इसका अर्थ होता है मूसलाधार बारिश इसका अर्थ क्या होता है बहुत अधिक जब वर्षा होती है तो उसको पॉर्स कहा जाता है पी ओ यू आर एस ठीक है तो ये यह यहाँ पे नहीं बताया जा रहा है सेंटेंस में बारिश के बारे में नहीं बताया जा रहा है आपको आपको पत्ती में जो छोटे छोटे होल होते हैं उसके बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है इसलिए ये नहीं होगा इसलिए आपका सही आंसर क्या होगा पी ओ आर एस -E पोर्स सही है सेकेंड नंबर आप देखेंगे आई वेंट टू शॉप टू बाई स्टेशनरी या स्टेशनरी ठीक है आपके पास दो चीज दिया गया है इसका अर्थ होता है अस्थायित्व तो, तो ये यहाँ नहीं होगा ये जो आई वेंट टू द शॉप ऑफ बाई स्टेशनरी होगा एस टी ए टी आई ओ एन ई आर वाई बिकॉज इसका अर्थ होता है लेखन सामग्री या छोटे मोटे आ, कुछ खेलने के भी आ, चीज़ यहाँ पर मिलते हैं तो उसको स्टेशनरी कहा जाता है एस टी ए टी आई ओ एन ई आर वाई सो योर आंसर इज राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा समझ गए स्टेशनरी दो दिया है उसमें से एक ही सही है उसी आप को आपको अंडरलाइन कर देना है थ्री नंबर में देखेंगे फाटी बाजार या बिजार इंसिडेंट तो इस पूरे अगर हम इसको हटा दें इस बाजार का अर्थ होता है आप जो बाजार जाते हैं वो वो बाजार नहीं हमें चाहिए वाट ए बिजार इंसिडेंट इट मीन्स यह कैसी विचित्र घटना है इसका अर्थ हो जाएगा कैसी विचित्र घटना है कैसी विचित्र घटना है तो विचित्र घटना ठीक है विचित्र अर्थ होता है बी आई जेड ए डबल आर ई ये विचित्र अर्थ होता है तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा विजर बी आई जेड ए डबल आर ई ठीक है ये सही हो जाएगा समझ गए फोर नंबर में देखेंगे सी इज लुकिंग टू मच तो पी ए एल ई लिखा हुआ है और पी ए आई एल लिखा हुआ है ठीक है पी ए आई एल जो लिखा हुआ है लास्ट में पी ए आई एल इसका अर्थ होता है बाल्टी समझ गए तो ये नहीं होगा ठीक है यहाँ पे पी ए एल ई होगा क्योंकि यहाँ पे रंग से लिया जा रहा है तो पील का अर्थ होता है रंग पीले पीला रंग के बारे में पी ए एल ई जो है यह पीले रंग को इंडिकेट करता है तो सी इज लुकिंग टू मच पील तो इसका अर्थ हो जाएगा वह बहुत ज़्यादा पीला दिख रहा है सेंटेंस के का अर्थ हो जाएगा सी मीन्स वह 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 बहुत ज़्यादा पीला दिख रही है यहाँ पे एस एच ई का प्रयोग किया गया है तो यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएगा तो वह बहुत ज़्यादा पीला दिख रही है ठीक है सी इज लुकिंग टू मच पी एल ठीक है क्योंकि यहाँ पे पी ए एल ई का अर्थ होता है पीला रंग समझ गए तो कोई व्यक्ति पीला दिख रहा है उसका शरीर पीला पीला दिख रहा है तो वैसे सेंटेंस में यहाँ पर हम पी एल ई का यूज करते हैं ठीक है पी ए आई एल का यूज नहीं करेंगे क्योंकि इसका अर्थ बाल्टी होता है समझ गए दोनों वर्ड का प्रोनाउंसिएशन एक ही जैसा है बट अर्थ अलग अलग होता है समझ गए तो जो सही अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जो सही होगा उसी को हम अंडरलाइन करना है हमें ठीक है फाइव नंबर 40 यमी डिजर्ट या डिजर्ट 40 यमी डिजर्ट या डिजर्ट ये होता क्या है डी ई डब्ल्यू ए सी आर टी एक तरह का मिष्ठान है मिठाई जो आप भोजन करने के बाद में मीठा चीज ग्रहण करते हो उसी के बारे में कहा जाता है डिजर्ट ठीक है समझ रहे हैं और डिजर्ट यहाँ जो लिखा है डी ए -E सी आर -E टी इसका अर्थ होता है मरुस्थल तो ये तो होगा नहीं तो यहाँ पे आ, मिठास के अर्थ में यूज करना है तो डिजर्ट होगा डी ई डबल ए सी आर टी ये सही होगा हमारा ठीक है ये मरुस्थल होगा इसका अर्थ इसलिए ये नहीं होगा ठीक है उसके बाद आप सिक्स नंबर देखेंगे आई कुड नॉट गो आउट बिकॉज ऑफ द बैड वेदर और वेदर दोनों सही दोनों लिखा गया है ठीक है तो जो सही होगा उसे इस सेंटेंस के अनुसार सही करना है आई कुड नॉट गो आउट बिकॉज ऑफ बैड वेदर मतलब मैं बाहर नहीं जा सकता हूँ क्योंकि बाहर का मौसम बहुत खराब है तो मौसम का इंग्लिश होता है वेदर डब्ल्यू ई ए टी एच ई आर ठीक है इसलिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा यही हो जाएगा इसको हम अंडरलाइन करेंगे डब्ल्यू ए टी एच ई आर क्योंकि सेंटेंस का अर्थ हुआ कि मैं बाहर नहीं जा सकता हूं क्योंकि मौसम बहुत खराब है ठीक है समझ गए तो वेदर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस सेवेन नंबर देखो आई कैन नॉट बियर द वेट ऑफ दिस बैग एनी मोर अब देखिए इस सेंटेंस के अनुसार बी ई -E ए आर सही होगा क्या होगा बी ई ए आर पर हम अंडरलाइन करेंगे क्यों क्योंकि इस अब पूरे सेंटेंस का अर्थ निकलेगा ठीक है कि मैं अब इस बैग का वजन सहन नहीं कर पाऊंगा सॉरी मैं अब इस बैग का वजन वज़न सहन नहीं कर सकता कैन लगा हुआ है तो कैन मीन्स होता है सकना नॉट कैन नॉट मीन्स मतलब ये कह रहा है कि मैं अब इस बैग का वजन सहन नहीं कर सकता तो वियर uh, मतलब ढो नहीं सकता मतलब बैग इतना भारी है इतना वेटफुल है कि वो अब उससे नहीं चल सकता है उसका वजन ज़्यादा होने के कारण वो थक गया है उसको आ, भारी चीज को ठोते हुए तो इसलिए सेंटेंस में ऐसा कहा जा रहा है बीयर शब्द का यूज किया जा रहा है ठीक है और यहाँ बेयर लिखा गया है बी ए आर समझ गए तो ये नहीं होगा ठीक है समझ गए तो बीयर हो जाएगा ई ए आर सही है एट नंबर देखेंगे माई स्कूल प्रिंसिपल प्रिंसिपल और प्रिंसिपल यहाँ दिया गया है इज वेरी स्ट्रिक्ट देखिए स्ट्रिक्ट का अर्थ होता है कठोर एस टी आर आई सी टी एस्ट्रिक्ट का अर्थ होता है कठोर और इस दिए गए सेंटेंस में माई स्कूल प्रिंसिपल लिखा गया है और प्रिंसिपल लिखा गया है तो प्रिंसिपल का स्पेलिंग क्या होता है पी आर आई एन सी आई पी ए एल होता है प्रिंसिपल और यहाँ प्रिंसिपल लिखा गया P पी आर आई एन सी आई पी एल -E, ई प्रिंसिपल का अर्थ होता है सिद्धांत ठीक है और प्रिंसिपल का अर्थ होता है प्रधानाचार्य समझ रहे हैं तो यहाँ प्रिंसिपल नहीं होगा क्योंकि इस वर्ड का अर्थ हो हो जाएगा सिद्धांत जो इस सेंटेंस के अनुसार सही नहीं होगा और यहाँ कहा जा रहा है कि माई स्कूल और प्रिंसिपल सही हो जाएगा ये ये पी आर आई एन सी आई पी ए एल ये सही होगा तो इस पूरे सेंटेंस का अर्थ हो जाएगा कि मेरे स्कूल के मेरे विद्यालय के प्रधानाचार्य बहुत ही कठोर हैं ठीक है स्ट्रिक्ट का अर्थ होता है कठोर बहुत ही कठोर हैं ठीक है सो योर आंसर इज प्रिंसिपल हो जाएगा पी आर आई एन सी आई पी एल यहाँ प्रिंसिपल दिया गया है इस वर्ड का अर्थ होता है सिद्धांत ये गलत है इस सेंटेंस के अनुसार यहाँ पर यह होना चाहिए जिसको अंडरलाइन किया मैंने ये सही है प्रिंसिपल ठीक है पी आर आई एन सी आई पी एल ये सही है और नाइन नंबर देखो श्रुति एंड तनवी विजिटेड ए जू टू सी डियर आप देखो ये कहा जा रहा है कि श्रुति और तनवी जो है वह चिड़ियाघर में विजिट करने जा विज़िट करने जाते हैं तो वो क्या देखते हैं वहाँ पर डियर देखते हैं डियर डी दी डबल ई आर डियर मीन्स क्या होता है हिरण होता है क्या होता है स्टूडेंट हिरन लेकिन यहाँ पर डियर दिया गया है डी ई ए आर तो इसका अर्थ होता है प्रिय जैसे आप अपने फ्रेंड को लेटर लिखते हो तो आप लिखते हो डियर फ्रेंड का अर्थ होता है प्रिय दोस्त समझ रहे हैं तो ये ये यहाँ पर इस डी का अर्थ प्रिय होता है तो ये गलत है यहाँ पर क्या होगा डी डबल ई आर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमें सेंटेंस के अनुसार सोचना है कि कौन सा इस वर्ड सही होगा यहाँ पे उसी को अंडरलाइन कर देना है तो श्रुति एंड तनवी विजिटेड टू जू टू सी डियर एंड तो दोनों में क्या सही है डी डबल ई आर क्योंकि इस डियर का अर्थ होता है प्रिय मैंने बताया भी कि जब आप लेटर लिखते हो तो वहाँ पे लिखते हो डियर फ्रेंड लिखते हो ना तो वहाँ पे डियर में डी ई ए आर लिखते हो इसका अर्थ होता है प्रिय दोस्त और यहाँ पर डी डबल ई आर डियर का अर्थ होता है क्या होता है हिरन यहाँ पे हिरन को देखने चिड़ियाघर में वो क्या देखेंगे हिरन को देखेंगे कि प्रिय दोस्तों को देखेंगे हिरन को देखेंगे तो आपका डियर हो जाएगा समझ गए तेन नंबर देखो द इट फिर के एन आई जी एस टी नाइट भी लिखा हुआ है इसको भी नाइट ही पढ़ेंगे इज लॉन्ग एज कंपेयर टू समर्स देखिए ये सेंटेंस के अनुसार कहा जा रहा है कि ठंड के दिन में जो रात होता है जो रात होती है रात स्त्रीलिंग शब्द है तो रात होती है हमने होता है बोल दिया था बट यहाँ पे रात होती है ठंड ठंडी की रात जो होती है वह गर्मी की रात के समान ही लंबी होती है ठीक है तो यहाँ पर लॉन्ग दिया गया है तो नाइट मीन्स होता है रात और के एन आई जी एस टी इसका अर्थ होता है ये भी नाइट ही लिखा गया इसको भी नाइट ही पढ़ेंगे लेकिन इसका अर्थ होता है सूरवीर क्या अर्थ होता है सूरवीर सूरवीर कैसे लिखेंगे ऐसे लिखेंगे ये हो गया सूरवीर कहा जाता है इसको ठीक है एन आई जी एस टी नाइट का अर्थ होता है सूरवीर बट अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको यहाँ नाइट लिखना है एन आई जी एस टी क्योंकि रात के बारे में गर्मी के दिन की रात और ठंडी के दिन की रात के बारे में यहाँ पर तुलना किया जा रहा है कंपेयर किया जा रहा है बट यहाँ सूरवीर की बात नहीं हो रही है इसलिए यहाँ पर ये नाइट नहीं होगा यहाँ पर एन आई जी एस टी नाइट होगा क्योंकि इसका अर्थ रात होता है रात्रि होता है ठीक है तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा नाइट हो जाएगा एन आई जी एस टी समझ गए और इस नाइट का के एन आई जी एस टी का अर्थ होता है सूरवीर मैंने लिख दिया है आप इसे नोट कर सकते हो ठीक है नाउ मैं आशा करता हूँ कि आपने इसे अच्छा से समझ लिया होगा नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे थैंक यू हैव ए नाइस डे